सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। दंडौत बंदन अंकवास सकला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। आगे पई अकाल की तबै चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुणा की दे जो प्रभु को मिल पहुंचे खोज शब्द में ले। नमस्कार योग गुरु रूप सत्संग जीओ आओ फतेह जी सांझ करिए गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत्संगत असि बड़े ही वड्डे भागां वाले सुन वड भागिया और अमृत बाणी का बाणी की बड़ी भारी महानता है। गुरबाणी सुनने वाले पढ़ने वाले और गुरबाणी अनुसार जीवन को ढालने वाले जो जीव हैं वो तन हैं। अज असी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का गुरगद्दी दिवस मना रहे हैं। इट वॉज इन द ईयर 1708 दैट गुरु गोबिंद सिंह जी कॉन्फर्ड गुरुशिप ऑन श्री गुरु ग्रंथ साहिब फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। गुरु ग्रंथ साहिब जी इज अवर इटरनल गुरु एंड इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस that we recite Bani, listen to Bani and try to make our lives according to the teachings of the Guru contained in Shri Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib no बेशक गुरियाई 1708 ईस्वी विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दिती है पर इतिहास दसता है कि पहले ही दिन जदों श्री गुरु नानक देव जी इस संसार विच आए हन उन्हां दा मिशन शब्द का प्रचार करना से। इतिहास में जिक्र आता है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के विच दर्ज है कि जो सिद्धा नूं मिले तो सिद्धा ने अनेक ही प्रश्न किए। सतगुरु जी ने बाणी सिद्ध गोष्ठ लिखी है रामकली राग विच दर्ज है अनेक ही फिलोसफी के क्वेश्चन जीवन के जो भेद हैं मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स। पर एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सतगुरु जी ने अपनी बाणी के अपनी कर्म के लिखे है कवन मूल कवन मत तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला
प्रसिद्ध योगीज आस्किंग ए क्वेश्चन ओ नारद टेल अस कवन मूल व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ इस जीवन किवे पैदा हुआ है कवन मत वेला एंड इन दिस टाइम्स इन दिस एज इन विच वी आर लिविंग विच इज द राइट पाथ केड़ा मत है जिन्हों अपनाया जाए एंड एट द सेम टाइम यू एक्सप्लेन हु इज योर गुरु हु इज योर प्रिसेप्टर योर मास्टर हु इज योर गाइड एंड सतगुरु जी रिप्लाइज पवन आरंभ पवन आरंभ महाराज कहते हैं कि हवा जिहड़ी है वो ओरिजिन है मीन्स द डे ऑन विच दिस ऑर्गेनिज्म गॉट ब्रेथ दैट इज द टाइम ऑफ द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स पवन आरंभ सतगुर मत वेला एंड दिस इज द टाइम वेन वी नीड द गाइडेंस ऑफ द ट्रू गुरु सतगुरु की मत से चलन का टाइम आ गया है जो सतगुरु सच्चे गुरु उपदेश दें उन्होंने चलन का टाइम सतगुर मत वेला शब्द गुरु सुरत तुन चेला मेरा गुरु कौन है मेरा गुरु शब्द है यह शब्द कितों आया है अकाल पुरख तो मिलया है वाहिगुरु तो मिलया है जो वाहिगुरु का हुक्म है वह संसार को दसन की लोड़ है उही मेरा गुरु है उही मेरा धर्म जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी के आनवे लालो इन द शब्द्स ऑफ बाबर वाणी सतगुरु जी एड्रेसिंग हिज डिवोट सिख भाई लालो सेज वट एवर आई से दिस इज द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड ये वाहिगुरु का हुक्म है जेड़ा मैं संसार में दस रहा हूं मेरे को और कुछ नहीं है मैं गुरु का उपदेश देने वास्ते वाहिगुरु का उपदेश देने वास्ते इस संसार में आए तो मेरा गुरु कौन है महाराज जी ने बाणी भी थां थां ते सानू ये दसिया है कि बाणी शब्द जो है यही गुरु है बेशक गुरु नानक देव जी तो लैके दसवें पातशाह तक दस गुरु मनुखी जामे विच आए हैं पर उन्होंने भी यही गल कही है कि असल गुरु जो है वह शब्द है कोई शरीर गुरु नहीं है कोई तन जिहड़ा है ये गुरु नहीं है बाणी गुरु गुरु है बाणी द सीक्रेट वर्ड इज द गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु इज बाणी विच बाणी अमृत सारे इन बाणी देर इज अमृत द नेक्टर द रियल सब्सटेंस इज इन बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मने पर तख गुरु निस्तारे व्हाटएवर गुरबाणी सेज व्हाटएवर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज इज टेलिंग अस वी आर सपोज्ड टू ओबे एंड प्रैक्टिस इन आवर लाइव्स देन इट इज ग्रंटेड दैट वी विल क्रॉस दिस ओशन ऑफ लाइफ ओशन ऑफ एग्जिस्टेंस successfully. So, Bani is very important. Jaisi itihas par dekhiye, ta sat sangat, assi aksar do gurpur jede ne oh Bani naal sambandhit manaunde. Ik taan pehle prakash da jo utsav hai. Jadon Guru Arjan Dev Ji, panjve satguru ji ne श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली बीट तैयार की पोथी परमेश्वर का थान कह के उसको सत्कार दिता हरिमंदर साहब के उसका प्रकाश होया दैट वॉज इन द ईयर 1619
1604 1604 ईस्वी दिन प्रकाश की। दूसरी जो भीड़ तैयार हुई है ये 100 साल बाद तैयार हुई है। पहली भीड़ जड़ी है वो अमृतसर तैयार हुई सी, दूसरी भीड़ जड़ी है वो दमदमा साहब तलवंडी साबो दे तैयार हुई। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आप भाई मणि सिंह जी नूं जो शहीद होए हैं लिखवाई है सारी भीड़ ये सिख इतिहास के अंदर। जो दूसरी भीड़ है उसकी विशेषता यह सी कि उसके विच गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आप ही शामिल की थी। सो पहले कंपाइलेशन दे विच कुल 36 लेखक हैं जिन्हां विचों 5 गुरु साहिबान हैं और 15 भगत हैं, 11 भट्ट हैं, 4 गुरसिख। ते दूसरी भीड़ जो दमदमी भीड़ अखवाई है दमदमा साहब विच लिखी जान करके उहदे विच गुरु तेग बहादुर साहिब की बाणी इस तरह कुल 36 व्यक्ति हैं जिन्हां दी बाणी गुरु व्यक्तियों समेत इहदे विच दर्ज हुई है। और इसे ही भीड़ नूं दमदमी भीड़ नूं 1708 ईस्वी विच नदेड़ विखे ज्योति जोत समाउण तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गुरगद्दी बख्शिश की है। तो मेरे पिछों हमेशा नहीं हुण शब्द ही गुरु रहेगा, शरीरक रूप में देह के रूप में कोई होर गुरु नहीं होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। आफ्टर गुरु गोबिंद सिंह वी कैन नॉट थिंक ऑफ ए गुरु इन ह्यूमन फ्रेम। मनुखी शरीर के विच कोई गुरु नहीं हो सकता। अज अनेक ही लोग हैं जो अपने अपने डेरे बनाई बैठे हैं, देहधारी होंगे ने, बाणी वरतते ने, कभी संत कभी साध कई तरह के अपने अखवाते भी हैं, पर गुरु साहब का जो हुक्म है कि गुरु ग्रंथ साहब तो बिना कोई सिख अगवाई नहीं दे सकता। जो अगवाई सानू मिलनी है वह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो मिलनी है। दैट इज वाई असी हर कंग्रीगेशन के एंड से ये दो दोहरे पढ़ते हाँ। दोहरा इज द फॉर्म ऑफ पोएट्री, छंद है एक जरा दो लाइना का होता है। ये चार लाइना के दो दोहे असी आम पढ़ते हाँ जिन्हें फिर सतगुरु जी का उपदेश जोड़ा है वह दसिया गया है। आज्ञा पई अकाल की, दिस वॉज द ऑर्डर ऑफ द टाइम दिस लॉर्ड, तब चलायो पंथ, दैट इज वाई आई हैव एस्टैब्लिश दिस पंथ सिख पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, एवरी सिख इज सपोज टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द ग्रंथ विच इज योर गुरु फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। एक चीज जी है ये साढ़े लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कि जो जिन्हें भी गुरु नूं मिलना है वह शब्द के विचों खोज करे। आज्ञा पई अकाल की, तब चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। इस तरह समझो जिस वेले पाठ करते हैं गुरु साहब के नाल असीं गल्लां कर रहे, असीं अपने सवाल दस रहे हैं, गुरु साहब सानू जवाब दे रहे हैं, गुरु नानक सानू जवाब दे रहे हैं, गुरु नानक की जोत सानू जवाब दे रहे हैं। आज्ञा पई अकाल की, तब चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रकट गुरा की दे, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द मेरे। शब्द विचों गुरु नु वेखना है, शब्द विच गुरु हन, बाणी विच गुरु। ये जो दो दोहरे हैं बहुत बारे ये बारे सवाल मैंने पूछा गया है कि भी कि किस समय ये गुरु साहब ने लिखे हैं। ये गुरु साहब की रचना नहीं, ये गुरु साहब के गुरसिखा की रचना है। इन्होंने अनेक ही रूप सानू रहतनामे मिलते हैं, कुछ भाई नंद लाल जी की बाणी विच है, कुछ भाई प्रहलाद सिंह की बाणी विच है, पर इन्हों जो
पंच दे नाल लिखिया है वह है जो आप अजकल पढ़ रहे हैं थोड़ी बहुत वेरिएशन है एवरी सिख शुड अंडरस्टैंड दिस इज नॉट गुरबाणी दीज आर दी दोहेदास थ्रू विच द मैसेज ऑफ द लास्ट मैसेज ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इज कन्वेड बाई द सिख टू द एंटायर खालसा पंथ सिख पंथ हुण ये चीज़ा जिहड़ियां ने इतिहास के प्रसंग विच देखिए तो सानू बड़ी हैरानी वाली गल्लां सामने आउंदियां ने मैं बहुत विस्थार में नहीं जावगा एक दो चीजा बहुत जरूरी हैं जी आप जी शेयर करना चाहगा 1704 ईस्वी दिसंबर के महीने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को आनंदपुर का किला खाली करना पिया इतिहास असं अक्सर सुनते हैं आनंदपुर साहब तो चल के रस्ते विच अनेक प्रकार दीयां परिवार दीयां कुरबानियां दिंदे हुए सरसा नदी दे विचों औखियाईयां चलदे हुए सतगुरु जी चमकौर दी गढ़ी विच पहुंचे हन उत्थे शहीदियां होईयां हन साहिबजादे विछड़े हन परिवार विछड़िया है अखीर तुरदे तुरदे मुक्तसर दा जंग जित के तलवंडी साहिब दे विच जो बठिंडा जिले विच है उत्थे आके टिके हन ते उत्थे उन्हां ने इह बाणी भाई मणि सिंह नवी जो भीड़ है उत्थे लिखाई है जिसनों बाद दे विच गुरियाई मिली तो गुरु साहब ने जिस वेले गुरियाई दिती है हजूर साहब जिसनों असीं कहिंदे हां नदेड़ दे विच उह जिहड़ा मैसेज सी उह सिखां दे कोल किस तरह पहुंचिया है इस बारे सानूं इतिहास विच बहुत चिन्ह मिलते हैं पर असीं कदी उन्हां दे विस्थार विच जाण दी कोशिश नहीं की मैं आप जी इस गल की सांझ पाउणी चाहुंदा हाँ कि जिस वेले गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समाए हैं उस वेले दिल्ली विच माता सुंदरी जी सन माता सुंदरी जी दिल्ली विच निवास रखते सन और सब तो पहला उन्होंने जो काम किया है भाई मणि सिंह जी जो बाद में शहीद होए हैं 1721 ईस्वी के विच दरबार साहब का ग्रंथी बना के हेड ग्रंथी बना के उत्थे भेजे ताकि सारी मर्यादा जो भी करनी है वो ठीक ढंग नाल गुरु साहब के उपदेशों अनुसार चलाई जाए भाई मणि सिंह जी गुरु साहब तो 1708 ईस्वी में गुरु साहब ज्योति जोत समाए हैं 1737 भाई मणि सिंह जी शहीदी हुई है 29 साल के करीब वो बाद रहे हैं ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ 1741 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਨੰਦੇੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਦੈਟ ਵਾਜ ਕਨਵੇਡ ਟੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਾਈ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਸੋ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1708 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ 1710 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਔਰ 1716 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਇਤਨਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਲਗਭਗ 91 ਈਅਰਸ ਇਹ ਲੌਂਗ ਸਪੈਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
एक बड़ा वड्डा क्राइसिस पैदा हो गया। इतिहास में जिक्र आता है कि वैन गुरु गोबिंद सिंह जी वेकेटेड द फोर्ट ऑफ आनंदपुर देर वर सो मैनी क्लेमेंट्स ऑफ गुरुशिप। एक्चुअली गुरु साहब हैड अपॉइंटेड केयर टेकर ऑफ आनंदपुर श्राइन्स बाबा भाई गुरबख्श सिंह जी हु वॉज फ्रॉम द फैमिली ऑफ बाबा बुढ़ा जी हु वॉज फर्स्ट कंट्री ऑफ श्री गुरु श्री हरिमंदर साहब उन्होंने परिवार विचों सर उन्होंने यह सौंप के आया सर। पर अनेक ही सोटिया के परिवार जो बड़ी देर तो यह सोच रहे थे कि गुरगद्दी सानू किवें मिले उन्होंने अपने आप को गुरु डिक्लेयर कर दिता। इन्हों तीन सैक्ट्स ने बड़े इंपॉर्टेंट ने इन्ह दुकाना अज भी चल रही ने अपने आप को गुरु भी अगवाते हैं और गुरु के तौर पर आप अपनी नवी उन्होंने नवेकरियां रस्म भी बनाई हुई सब तो पहले हैं गुलाब राइए। गुलाब राइए वह हैं जेडे गुलाब राय के सिख हैं। गुलाब राय गुरु हरगोबिंद साहब के पुत्र सूरजमल का पुत्र से उन्होंने खानदान में चो सी उन्हें सोचा कि हम गुरु गोबिंद सिंह चले गए हैं तो सोढ़िया का यह राज है तो गुरु जोड़ा है सोढ़ी ही बन सकता है उन्होंने अपने आप को गुरु डिकलेयर कर दिता। इस तरह एक गंगूशाही हैं जेडे गुरु अमरदास जी के वेले एक सिख होया है गंगो ओ बहुत ही चंगा गुरसिख से उन्होंने गुरु साहब ने मंजी बख्शिश की सी पर उदे परिवार विच भी अको बड़े ही माड़े लोग आ गए जिन्होंने उस टाइम पर अपने आप को गुरु डिकलेयर कर दिता। उन्होंने एक खड़क सिंह है जिसकी गद्दी अज भी चंडीगढ़ मोहाली के नेड़े दाऊ पिंड दे विच चलती है वो भी इस चीज़ के शामिल हो गया सी। और इस तरह ही एक हिंदालिए हैं जिन्होंने साड़ी जन्म साखी का भी नुकसान किया है। बाबा हिंदाल भी गुरु साहब गुरु अमरदास जी के टाइम तो सेवा करते सन पर उन्होंने परिवार के भी फिर यह लालच पैदा हो गया कि असी गुरु बन बैठीए क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह चले गए हैं। इस तरह ही पृथ्वी चंद की औलाद जिन्होंने मीणे कहा जाता है इस तरह ही राम राइए जो राम राय की औलाद है और इस तरह ही धीर मलिए ये भी इन्होंने आपको अपने गुरु डिकलेयर कर दिते सन। तो दैट वॉज अ टाइम ऑफ क्राइसिस। अज भी तुम आनंदपुर साहब जाओ तो वे वे महल दिसनगे पुरानी ईटा के जोड़े टटे हुए हैं मकबरे बन गए। इन्होंने अलग अलग अपन गदियां शुरू कर दतिया उन्होंने यादा हैं सोढ़िया के परिवार की। तो महाराज जी ने इन चीज़ों भांप के सिख जड़े ने कि गलत पास ना चले जाए देहधारियों के जाल में ना फस जा विशेष तौर पर हदायत पंथ ने जारी की सन कि सिख पंथ ने हुण इस तों बाद किसी देहधारी गुरु को नहीं मनना किसी डेरे वाले को नहीं मनना गुरु की बाणी को मनना है और गुरु की बाणी तो ही सेध लैनी है। सतसंगत अज असी जदों गुरगद्दी दिवस मना रहे हाँ तो दिस इज अवर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड what is the order of the guru, what guru expects from us. Guru Gobind Singh ji Maharaj ne jehde upadesh ditte ne unhan nu assi apnauna hai te bani to bina kise bhi dehtari pakhandi de lad nahi lagna par unhan nu jaach badi hai oh bani vart ke apne aap nu anek hi dukana naviyan chal paiyan ne unhan to vi bachna hai. Guru Gaddi Guru Granth Sahib di hai गुरु ग्रंथ साहब तो बिना सिख का होर कोई गुरु नहीं हो सकते। आओ असी प्रेम के नाल फिर गुरु साहब के जो उपदेश हैं जो खालसे तक पहुंचे हैं गुरसिखा ने लिखे हैं आगे पई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।